मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आशा उषा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी से असंतुष्ट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बुरहानपुर में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें मांग के अनुरूप वेतन वृद्धि की मांग की है। वहीं जल्द मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। वेतन नहीं वृद्धि होती है तो ये अगला कदम इनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जिससे कार्य सारी जो है व्यवस्था चरम आ जाए। आशा कार्यकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित आवेदन दिया है। हम इनको इनकी मांग है, 7 फुट की मांग है, इसको हम तत्काल ले लिया। हमारी मांगे ये हैं, आशा बहनें शासन का पूरा काम करती हैं, घर घर जाके पूरी योजनाओं का लाभ बताती हैं, और जो भी उसको मानदेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 6,000 की घोषणा की है, तो हमारे यही से आशा बहनों को 10,000 मिलना चाहिए और आशा पर्यवेक्षक को 18 से 25,000 प्रति माह मिलना चाहिए, और वो तनख्वाह 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आ जानी चाहिए। और हमारे आशा बहनों को एक आशा पर्यवेक्षक को कम से कम 12 से 15 गाँव होते हैं, उसके लिए उसको स्कूटी मिलना चाहिए और यात्रा भत्ता भी मिलना चाहिए। और यदि कभी नहीं मिलता है तो हमारा अगला कदम हड़ताल की तरफ होगा, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हड़ताल भी की थी पर हमारी मांगे जो रखी गई थी वो हमारी मांगे यानी कि सीएम साहब ने पूरी नहीं की, और जो की भी है तो हम लोग का जो मानदेय है सहयोगियों का आशा सुपरवाइजर का तो 24,000 रुपये 18 से 24,000 रुपये होना है, और जो हमारी आशा बहनें हैं उनका है तो 10,000 की मांग रखी थी हमने। हमारी जो मांगे हैं वो अभी तक भी पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण हम आज भी कलेक्टर के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमारा अगला कदम हड़ताल रहेगा, हम लोग अनिश्चित हड़तालकालीन पर बैठने वाले। कब से ये आपने निर्णय लिया है? अभी तो जो आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमें 7 दिन के अंदर में कुछ हमारा नहीं होता है तो हम लोग बराबर हड़ताल पे बैठे। 7 दिन का अल्टीमेटम तो वेतन नहीं वृद्धि होती तो ये अगला कदम इनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जिससे कार्य सारी जो है व्यवस्था चरम आ जाए। ये आशा कार्यकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित आवेदन दिया है। हम इनको इनकी मांग है, 7 फुट की मांग है, इसको हम तत्काल ले लिया। हमारी मांगे ये हैं, आशा बहनें